हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी ही तरह मस्त और स्वस्थ ही होंगे। तो दोस्तों, पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें डीडी नेशनल पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक चंद्रमुखी सीरियल के लास्ट एपिसोड को दर्शाया था, जिसको आप सभी ने खूब सराहा और हमें कमेंट के रूप में बताया कि आप भी हमारी ही तरह शो के चाहने वालों में से रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी की कमेंट पर हम एक बार फिर से लेकर आए हैं चंद्रमुखी सीरियल लास्ट एपिसोड के पार्ट 2 को। तो दोस्तों, वीडियो से कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि आगे का वीडियो पिछले वीडियो से भी ज़्यादा मज़ेदार और सस्पेंस से भरा हुआ है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अतिथि युवराज वनराज उस फूल को पाने की आकांक्षा से राजकुमारी चंद्रमुखी के महल में जाते हैं और राजकुमारी चंद्रमुखी उन्हें देखते ही समझ जाती है कि अतिथि राजकुमार वनराज उन्हें उस फूल के बारे में याद दिलाने के लिए आए हैं और वह उन्हें समझा कर अपने कक्ष में वापस भेज देती है। इसके बाद राजकुमारी चंद्रमुखी महाराज से मिलने उनके कक्ष में पहुँचते हैं। अब आगे और इसके बाद राजकुमारी चंद्रमुखी महाराज से मिलने उनके कक्ष में पहुंचती हैं, जहां महाराज राजकुमारी चंद्रमुखी को देखकर कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अगर ऐसा है तो शीघ्र कहो। पिताजी, एक ऐसी बात है जिसे मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। यहाँ आने से पहले युवराज वनराज ने मुझसे एक वादा लिया था कि जब वह मुझे इस महल तक सही सलामत पहुँचा देंगे, तब मैं उन्हें चंद्रमुखी का वह जादुई फूल दे दूंगी। तब महाराज, पुत्री ऐसा कैसे हो सकता है? वह फूल तुम्हें अपनी जान से भी अधिक प्रिय है, तो तुम उस फूल को कैसे दे सकती हो? फूल के यहाँ से जाते ही तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। तब राजकुमारी चंद्रमुखी कहती हैं कि पिताजी, मुझसे कहीं ज़्यादा उस फूल की आवश्यकता राजकुमार वनराज को है। तब महाराज कहते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता है वनराज को कि जो फूल तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्रिय है वो तुम उन्हें दे देना चाहती हो। तब राजकुमारी चंद्रमुखी वनराज की सारी कहानी अपने पिता और भुवन सिंह को सुनाती है। वनराज की कहानी सुनकर महाराज और भुवन सिंह की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब फिर भी वे नहीं चाहते थे कि राजकुमारी चंद्रमुखी उस फूल को वनराज को दें, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर यह फूल महल से बाहर गया तो राजकुमारी चंद्रमुखी के प्राणों में संकट आ जाएगा। पर राजकुमारी चंद्रमुखी की जिद के आगे महाराज को झुकना पड़ता है और वे राजकुमारी चंद्रमुखी का फूल वनराज को देने की इजाज़त दे देते हैं। तब राजकुमारी चंद्रमुखी अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर उस फूल को वनराज को देने के उद्देश्य से महल के कक्ष से बाहर निकलती है और सीधे अपने कक्ष में जाती है। राजकुमारी चंद्रमुखी के कक्ष से एक ऐसा गुप्त रास्ता निकलता था जो सीधे एक बगीचे में जाता था। वे उसी रास्ते से उस बगीचे में जाया करती थी। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर और बहुत बड़े बड़े पुष्प लगे हुए थे और उन्हीं पुष्पों पर सुंदर सुंदर तितलियां बैठी हुई थीं। बड़े बड़े पौधे थे और चारों तरफ हरियाली भी थी। बगीचा देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे ही किसी स्वर्ग में आ गए हों। राजकुमारी चंद्रमुखी उस बगीचे में काफ़ी अंदर तक जाती हैं और छोटे छोटे पुष्पों के बीचों बीच राजकुमारी चंद्रमुखी का एक बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा पुष्प था जो एक नीले और हल्के पीले रंग में था। उस फूल की एक खासियत थी कि जब कोई भी उसे तोड़कर अपने हाथों में लेता तो वह दूसरे फूलों के जैसा छोटा हो जाता और कभी सूखता भी नहीं था। राजकुमारी चंद्रमुखी उस फूल को बहुत प्यार से देखती हैं और जैसे ही उसे तोड़ती हैं तब वही भी दूसरे फूलों की तरह छोटा हो जाता है। राजकुमारी चंद्रमुखी के गुप्त बगीचे के बारे में महल में किसी को भी जानकारी नहीं थी और यहाँ तक कि राजकुमारी के पिता भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। वहाँ से निकलकर राजकुमारी चंद्रमुखी बिना समय गवाए हुए सीधे वनराज के कक्ष में पहुँचती हैं और उन्हें वे राजकुमारी चंद्रमुखी का वह जादुई फूल दे देती हैं और कहती हैं, युवराज, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपने पिताजी के नेत्रों की रोशनी वापस लौटा सकेंगे। तब वनराज भी उस फूल को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह राजकुमारी चंद्रमुखी का आभार प्रकट करता है और शीघ्र गतिशीघ्र महाराज की इजाज़त लेकर रूपनगर राज्य से अपने राज्य अलकापुरी की ओर निकल पड़ता है। वहाँ इस बात की खबर भानु प्रताप को भी हो गई थी
जो कि नहीं चाहता था कि बनराज अलकापुरी राज पहुंचे, पर उसे एक बात की बहुत प्रसन्नता थी कि अब बनराज के जाने के बाद राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह मेरे साथ ही होगा। फिर भानु प्रताप विवाह का प्रस्ताव लेकर राजकुमारी चंद्रमुखी के पास जाता है, किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी भानु प्रताप से विवाह करने के प्रस्ताव को इनकार कर देती हैं और कहती हैं, हमें क्षमा करें युवराज, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते और ना ही इसका कारण बताना जरूरी समझते हैं। हम एक राजकुमारी हैं और हमें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। आपके भाई वनराज यहाँ से जा चुके हैं और अब आप भी यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। और यह सुनकर भानु प्रताप को ऐसा लगता है कि यह मेरा अपमान है, और बिना समय गवाए हुए वह तुरंत वहाँ से अलकापुरी राज्य की ओर निकल पड़ता है। अब भानु प्रताप सोच रहा था कि किसी भी तरह वनराज को रास्ते में रोककर उससे उस फूल को छीनकर मैं पिताजी की आंखों की रोशनी वापस लौटा दूं। इससे मेरी प्रतिष्ठा वनराज से भी कहीं ज़्यादा ऊंची हो जाएगी। यहाँ वनराज अलकापुरी के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसे बहुत प्रसन्नता थी कि अब मैं अपनी माँ से मिलूँगा और मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी, जो मेरे ही कारण गई थी। भानु प्रताप वनराज को खोजता हुआ जाता है, तभी रास्ते में जाते समय जादूगर विचित्र सेन की नज़र वनराज पर पड़ जाती है। तो दोस्तों, यह था चंद्रमुखी सीरियल के लास्ट एपिसोड का पार्ट 2। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, अगर आप इसके आगे की भी कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आती है तो इसके आगे का वीडियो भी हम बना देंगे। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।